तो फ्रेंड्स आज मेरी एडसेंस अकाउंट में $10 से ज्यादा हो गए हैं और मेरे एडसेंस अकाउंट में जो है वो एक्शन का बटन आ चुका है। जी हां दोस्तों, इसी एक्शन बटन के माध्यम से हम अपने एडसेंस के आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन को अप्लाई करते हैं, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए पिन को जो है वो मंगवाते हैं। और इस वीडियो में आपको पिन के लिए अप्लाई करके बताने वाला हूँ और वो भी मोबाइल से। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे जिनमें जो है कंप्यूटर के द्वारा एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं मोबाइल से करके आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं मेरे पास गूगल पेमेंट्स की तरफ से यानी कि एडसेंस की तरफ से ईमेल आया था जिसमें बताया गया था कि आप अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यानी पिन को अप्लाई कर सकते हैं और आपके एडसेंस में जो है वो एक्शन का बटन आ चुका है। यानी कि इसका मतलब यही होता है कि एक्शन का बटन आपके एडसेंस अकाउंट पे आ चुका है, तो आप उसे लॉगिन कीजिए और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई कीजिए। और मैंने सुबह जब यूट्यूब स्टूडियो को भी खोला था तो वहां पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बताया जा रहा था कि आपका जो है वो एडसेंस लॉगिन कीजिए और वहां पे आपको जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जब मैंने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन किया और उस पे भी एक नोटिफिकेशन मुझे मिला था, यहाँ पे साइड में आपको मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ और उसके आगे एक एक्शन का बटन भी था। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ कि हमें मोबाइल के द्वारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करना है, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पिन को अप्लाई कैसे करना है जिसके माध्यम से हम जो है वो अपने एड्रेस को वेरीफाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जब $10 से ज्यादा हमारे अकाउंट में हो जाते हैं तब यह एक्शन का बटन जो है वो हमें मिलता है और इसी के माध्यम से एड्रेस वेरिफिकेशन की प्रोसेस को जो है वो पूरा करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक पिन आ जाता है जिसे हमें इसी जगह से मतलब जहां पे मैं अभी आपको पिन वेरिफिकेशन अप्लाई करने की प्रोसेस बताने वाला हूं वहीं पे हमें जो है वो पिन को जो है डालना होता है जब हमारे पास पिन आ जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि हमें एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई कैसे करना है मोबाइल से। तो फ्रेंड्स मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ की दुनिया। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बाईटी स्टूडियो को ओपन कर रखा है क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी ऊपर शो हो रहा है जिसमें बताया गया है प्लीज साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए एडसेंस पे जो है वो ऑप्शन आ चुका है तो यह साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं एडसेंस को भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने एडसेंस अकाउंट को जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरे $29 पूरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट में $10 से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में जो है वो $29 हो चुके हैं, अब मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन के लिए यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकूँगा। तो फ्रेंड्स कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे एक्शन का बटन जो है वो आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं एक्शन बटन पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं हम पेमेंट्स में जो है वो पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है वो अपना एड्रेस बिल्कुल सही से एडसेंस में सेव करना है। जब आप सही से सेव करेंगे और जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाएंगे बिल्कुल सेम वैसा ही एड्रेस होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब हमें जो है वो वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अब आप देख रहे हैं थोड़ी प्रोसेस चल रही है और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है उसमें आप देख रहे हैं इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड जो है वो अपलोड करने वाला हूँ और उसको मैंने स्कैन करके सेव भी कर लिया है इसी मोबाइल में। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम और पता पूरा आ रहा है, तो यदि इसमें कुछ गलत है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ और अपलोड पर क्लिक करने के बाद हमने जो पैन कार्ड का जो है वो स्कैनिंग सेव कर रखा है उसे स्कैनिंग को यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैन कार्ड का फ़ोटो जो है वो पहले से ही स्कैन करके बना रखा है, तो चलिए मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है और यहाँ पे मैं जो अभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पिन के लिए, तो यह मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने केवल जो इंस्ट्रक्शंस
दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से इसमें वैसे अलग से कुछ नहीं होता है, किसी से भी आप करवाओगे तो इसी तरह से जो है करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर से नहीं बल्कि मोबाइल से कर रहा हूँ, वैसे मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन मैं यहाँ मोबाइल से जो है वो पिन वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो चुका है, और अपलोड के बाद यहाँ पर आपको नीचे सबमिट का बटन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से जो है वो सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, हमने जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पिन के लिए अप्लाई किया है वो अभी प्रोग्रेस में है, यानी उसकी जो है प्रोसेस हमने पूरी कर ली है लेकिन वह जो है प्रोग्रेस में है। और फ्रेंड्स जैसे ही हमने जो अप्लाई किया है वो सक्सेसफुल होता है तो हमारे पास एक ईमेल आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब मैंने फिर से यहाँ पर रिकॉर्डिंग की है पूरे 6 घंटे बाद, क्योंकि अभी मैंने 6 घंटे पहले ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, और उसके 6 घंटे बाद यानी कि रात के 11 बजे के लगभग मेरे पास ईमेल आया, और उसमें आप खुद देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल से अप्लाई किया था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो मोबाइल से किया था मैंने, और मेरे मोबाइल पे देखिए आप यहाँ पे ईमेल आ चुका है जिसमें गूगल एडसेंस की तरफ से ईमेल है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स अभी तक बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिनमें आपको बताया गया है कि कंप्यूटर के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है उनमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मोबाइल से वेरिफिकेशन करके बताया है आपको, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया है। उसके लिए यहाँ पे मैं प्रूफ में आपको यह ईमेल जो है वो आपको बता देता हूँ, और मेरे अकाउंट पर ही यह ईमेल है और मेरी चैनल का ही है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी नए यूट्यूबर हैं और आपको अपने एडसेंस का जो है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है यानी पिन के लिए अप्लाई करना है, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलता हूँ अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।